नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का पुनः स्वागत है। आपके साथ दीवान नौटियाल और खास खबरों में आज बात करेंगे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय गढ़वाल क्षेत्र की चार दिवसीय कार्यशाला के समापन को लेकर। जी हां, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की चार दिवसीय कार्यशाला जो कि पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन के क्षेत्र में आयोजित की गई थी, उनका 9 नवंबर को समापन किया गया है। यह कार्यशाला 6 नवंबर से शुरू की गई थी। गढ़वाल क्षेत्र की कार्यशाला राजधानी देहरादून में आयोजित की गई थी, जिसका की 9 नवंबर को समापन किया गया। इस चार दिवसीय कार्यशाला में देश के प्रतिष्ठित संस्थानों से विभिन्न विशेषज्ञ मौजूद रहे, जिन्होंने मीडिया के क्षेत्र के साथ ही समाज से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां और छात्रों के साथ साझा की है। साथ ही छात्रों को किस तरीके से पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन के क्षेत्र में आगे काम करना चाहिए, उसको लेकर भी विभिन्न जानकारियां साझा की है। इसके साथ ही चार दिवस इस कार्यशाला में कई तरीके के छात्र भी विभिन्न जगह से मौजूद रहे, जिसमें की युवा छात्रों से लेकर कई वरिष्ठ छात्र भी देखने को मिले, जिसमें कि हम जिक्र कर सकते हैं आलोक कुमार द्विवेदी जी का। आलोक कुमार द्विवेदी जी जो कि वर्तमान में नारसन हरिद्वार के किसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में शारीरिक शिक्षक के रूप में मौजूद है। तो इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार में स्पोर्ट के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में इन्होंने वेटलिफ्टिंग भी हासिल की है। इसके साथ ही प्रदीप मुखर्जी जो कि प्रयास सेतु नामक पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका के मुख्य संपादक भी है, वो भी इस चार दिवसीय कार्यशाला में मौजूद हुए और मीडिया के क्षेत्र में उनकी जो रुचि है वो निश्चित तौर पे युवा पीढ़ियों के लिए, युवा छात्र छात्राओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम करेगी। इसके साथ कई युवा छात्रों की व्यंग प्रक्रिया जानने की कोशिश की है, वो भी आपको सुनाएंगे। इसके अलावा चार दिवस इस कार्यशाला के अंतिम दिवस के उपलक्ष्य पर छात्र छात्राओं को चार दिवसीय कार्यशाला के प्रमाण पत्र भी वितरण किए गए हैं, जिसमें कि डॉक्टर दिनेश कुमार जो की प्रभारी निदेशक देहरादून कैंपस के द्वारा छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरण किए गए हैं। इसके अलावा डॉक्टर राकेश कुमार जोया जो की विभागाध्यक्ष है पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन विद्या शाखा हल्द्वानी के, उनके द्वारा भी छात्र छात्राओं को चार दिवसीय प्रमाण पत्र वितरण किए गए हैं। इसके साथ ही डॉक्टर राकेश कुमार रयाल के द्वारा शोध के संबंध में भी छात्र छात्राओं को विभिन्न जानकारियां साझा की है, जिसमें कि राकेश कुमार रयाल ने बताया है कि विद्यार्थियों को अपना शोध ग्रंथ 20 जनवरी 2024 तक किसी भी परिस्थिति में स्वयं जाकर या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से विद्या शाखा हल्द्वानी में जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने फंट साइज को लेकर भी जानकारी दी है, जो कि शीर्षक की फंट साइज 14 से 20 के बीच में रहेगी, जबकि मुख्य सामग्री की जो फंट साइज है वो आपका इंग्लिश मीडियम के छात्र छात्राओं के लिए 12 जबकि हिंदी मीडियम के छात्र छात्राओं के लिए 16 रहेगा। इस संबंध में राकेश कुमार रयाल ने वेबसाइट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी गाइडलाइन साझा की है, वहां पर जाकर भी आप देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हम आपको सीधा ले चलते हैं डॉक्टर राकेश कुमार रयाल विभागाध्यक्ष पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन विद्या शाखा हल्द्वानी की प्रतिक्रिया की ओर। क्या कुछ कहा उन्होंने युवा प्रतिभाओं को पत्रकारिता के क्षेत्र में और पत्रकारिता के क्षेत्र का सामाजिक सहयोग में किस तरीके से योगदान हो सकता है, उसको लेकर पांच दिवसीय वर्कशॉप का समापन हुआ है, किस तरीके का रुझान आपको छात्रों को ये जो चार दिवसीय जो कार्यशाला थी, विशेष कार्यशाला थी और एक इनके उपाधि के मुताबिक जो है एक अनिवार्य शोध कार्यशाला थी, जो इनके पाठ्यक्रम के अनुसार है, इनके कार्यक्रम के अनुसार है। जो पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर डिग्री है MA GMC उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा जो संचालित किया जा रहा है, तो उसके अंतर्गत जो चतुर्थ सेमेस्टर जो फोर्थ सेमेस्टर की जो शिक्षार्थी थी हमारे, उनके लिए सिलेबस के हिसाब से, पाठ्यक्रम के हिसाब से एक चार दिवसीय शोध कार्यशाला अनिवार्य शोध कार्यशाला है। तो इसका आज समापन हो गया है। इसमें जो लघु शोध तैयार करवाया जाता है शिक्षार्थियों से, जो डिसर्टेशन तैयार करवाया जाता है, वो टोटली जो है शोध से संबंधित है और जिसको लघु शोध कहा जाता है, और उस लघु शोध को कैसे तैयार करना है, कैसे आपको बनाना है, कैसे आपको रिसर्च करना है, कैसे आपको अपना जो प्रपोजल है सिनॉप्सिस है कैसे तैयार करनी है, उसकी और उसका जो प्रपोजल से लेकर और लास्ट रिपोर्टिंग जो बाइंडिंग तक आपको कैसे कैसे करना है, उस पर चार दिवसीय शोध कार्यशाला में व्याख्यान दिए गए। अलग अलग विश्वविद्यालय, अलग अलग शिक्षण संस्थानों से यहाँ पर जो है विशेषज्ञ आए हैं, सभी ने अपने अपने विषय पर जो है शिक्षार्थियों को व्याख्यान दिए और शिक्षार्थियों ने बहुत ही रुझान से इस कार्यशाला में प्रतिभाग किया। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो चतुर्थ सेमेस्टर के हमारे शिक्षार्थी हैं इस समय और गढ़वाल रीजन के, उनमें से 90% जो शिक्षार्थियों ने इस चार दिवसीय शोध कार्यशाला में प्रतिभाग किया, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और एक इंट्रैक्शन हुआ है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो
मंथन चिंतन यहाँ पर जो विशेषज्ञों द्वारा किया गया, शिक्षार्थियों के साथ मिलकर इंटरेक्शन किया गया, उसका लाभ हमारे शिक्षार्थियों को मिलेगा और वो हमारे शोध ग्रंथ जो डिसर्टेशन वो बनाएंगे, तैयार करेंगे, उसमें इसका परिणाम जो हमें सामने देखने को मिलेगा। बदलते दौर में पत्रकारिता के क्षेत्र को आप रोजगार की दृष्टि से किस नजर से देखते हैं? बदलते दौर में रोजगार के क्षेत्र में हम मीडिया की बात करें तो मीडिया जिस तरह से जो है मीडिया में डेवलपमेंट हुआ है, जो पत्रकारिता को जो स्वरूप है बदला है, पत्रकारिता से लेकर आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर आपका जो है न्यू मीडिया और न्यू मीडिया में आप तमाम तरह के आयाम हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारे न्यू मीडिया के जो पार्ट्स हैं यहाँ तक जो पहुँचा है, तो इस आज की डेट में ये स्थिति है कि टोटली डिजिटलाइजेशन हो चुका है मीडिया का। तो इस स्टेज में, इस डेट में एक पत्रकार के लिए सबसे बड़ी बात यह है, और जो उस पत्रकारिता के क्षेत्र में जो शिक्षार्थी जाना चाहता है उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि वो अपने आप को डिजिटल के रूप में अपडेट रखे, वो अपने आप को जो है मॉडर्न जो रिक्वायरमेंट है मीडिया में उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करें, तभी वो अपने आप को उस क्षेत्र में ले जा सकता है। यदि चला गया तो वहाँ आपको अपने आप को बनाए रख सकता है। उसके लिए उसको मीडिया के डेवलपमेंट के साथ साथ, मीडिया के अपडेट के साथ साथ उसको अपना आप भी अपडेट होना पड़ेगा, अपने आप को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। ये उसके लिए बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं और ये एक पत्रकार शिक्षार्थी हमेशा शिक्षार्थी रहता है, वो सीखता है और डेली कुछ नया ढूंढता है, कुछ नया खोजता है, उसको लोगों के सामने रखता है। इसलिए उसको इन चीज़ों पर जो सीखने की चीज़ें हैं, जो अपडेट करने की चीज़ें उन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, तो सारे चुनौतियों का सामना वो कर सकता है। चार दिवसीय कार्यशाला समापन हुई है और हम देखें तो आपकी इस उम्र में भी एक सीखने की जो रुचि है तो कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस चार दिवसीय कार्यशाला को आप किस रूप में? ये कार्यशाला हम सबके लिए मील का पत्थर साबित हुई। बाहर से आए विद्वान शिक्षक गणों के गूढ़ अध्ययन से हम लोगों को बड़ा ही गूढ़ जानकारी मिली और जो हमारे साथी थे उन्होंने इस कार्यशाला के जरिए बड़ा गहन अध्ययन प्राप्त किया जो हम लोगों के लिए बड़ा ही लाभदायक सिद्ध होगा। आदरणीय रयाल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने बड़ी जानकारी ली और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे साथी जो युवा साथी हैं वो इसका लाभ लेंगे और इसको अपने अगल बगल और जनमानस में इसको उतार के इस पत्रकारिता को नया रूप देंगे। मुझे बेहद ही खुशी हुई सबको देखकर कि यहाँ पर सभी आयु वर्ग के लोग थे, हम बच्चे हैं वो थे और देखकर वो देखकर मेरा मन किया कि काश मैं भी अगर मैं बीच में पढ़ाई छोड़ दूँ तो फिर आगे जाकर मैं भी कंटिन्यू करूँगी। क्या एकमात्र क्या संदेश आप उनको देना चाहेंगे जो आजकल अपने मतलब कभी काफ़ी समस्याओं के लिए अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं या अपनी पढ़ाई को बढ़ावा नहीं दे पाते, क्या संदेश आप उनको देना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जितने भी आधे में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं किसी न किसी कारणवश है तो वो सब भी आए और पढ़े, क्योंकि पढ़ाई एकमात्र ऐसा टूल है जिससे हम जितने भी लोग हैं वो जागरूक हो सकते हैं, वो एजुकेट हो सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम गवर्नमेंट चलाती हैं जिसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं होता, अगर एजुकेशन होगी जन जन के पास तो इससे क्या होगा कि उनको इसके बारे में पता चलेगा और वो इस बारे में जानेंगे, उसका लाभ उनको मिलेगा।